हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इस तरह का प्यारा सा स्टेटस अपने किसी समर स्पेशल के लिए अपने मोबाइल से बनाना चाहते हैं दोस्तों, इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना होगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं डेली इस तरह की वीडियोस लाता रहता हूं। और दोस्तों, बेल आइकन पर क्लिक करके इसको ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अब दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो को मैंने काइनमास्टर ऐप में एडिट किया हुआ है। दोस्तों, अगर आपके पास फ्री वाला काइनमास्टर ऐप नहीं है तो दोस्तों आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाएंगे। वहां पर दोस्तों आपको फ्री वाले काइनमास्टर ऐप का लिंक मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको काइनमास्टर ऐप डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद दोस्तों सिंपली आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों सिंपली आप प्लस वाले आइकन पर जाएंगे, यहां से दोस्तों 16:9 को आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी कुछ इस तरह की पिक लेकर आ जानी है। इसके बाद दोस्तों सिंपली आपको डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप लोग यहां पर देख रहे होंगे आपकी पिक के नीचे एक लेयर आ गई, इस पर आपको टैप करना है, उसको खींच के इतना कर लेना है जितना बड़ा आप स्टेटस बनाना चाह रहे हो। इसके बाद दोस्तों आपको सीजर के बगल वाली बटन पर जाना है, इक्वल वाले साइन पर क्लिक करना और इसको दोनों उंगलियों से जूम करके इस तरह से पूरी स्क्रीन पर सेट कर देना है। सेट करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक करना है और वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना है। अब दोस्तों आपको फिर से लेयर वाली बटन पर जाना है, इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाना है और यहां पर दोस्तों आपको बेसिक इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहां पर क्लिक कर देना है। यहां पर दोस्तों गॉसियन ब्लर वाले ऑप्शन पर आपको टैप कर देना है। इसके बाद दोस्तों सिंपली आपको डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। यहां पर दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे ये छोटा सा स्क्वायर बनकर आ रहा है, इसको आपको पूरे वीडियो पर इस तरह से कर देना है। इसको करने के बाद दोस्तों आपको ये नीचे देख सकते हैं ब्लर की एक लेयर आ रही है, इसको पकड़ के आपको अपने स्टेटस के बराबर कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाना है और इसकी जो ब्लर लेंथ है इसको आपको 15 के आसपास तक कर देनी है, 10 या 15 तक कर दीजिएगा, यह आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक करना है और वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना है। तो आप लोगों को एक चीज बता दूं, इस वीडियो में जितना भी एक्सटर्नल मटेरियल यूज करूंगा सारा लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, वहां से आप सिंपली उन सबको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों यहां से यानी डिस्क्रिप्शन के लिंक से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों, सारा मटेरियल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी सेंड कर दूंगा, वहां से भी आप लोग सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली लेयर वाली बटन पर जाना है, मीडिया वाली बटन पर जाना है और यहां से दोस्तों आप लोगों को ये हार्ड पीएनजी लेकर आ जानी है। दोस्तों देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से आएगी, इसको दोस्तों आप लोग थोड़ा सा एंगल में ले लीजिएगा इस तरह से। एंगल में लेने के बाद दोस्तों आपको इसको यहां पर इस तरह से सेट कर देना है। यहां इस तरह से सेट करने के बाद दोस्तों आपको इसको पूरा अपने स्टेटस के बराबर कर देना जितना बड़ा आपका स्टेटस हो। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है और वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना है। अब दोस्तों आपकी जो सबसे पहले आप पिक लाए थे इस पर आपको एक टैप करना है, इस पर टैप करने के बाद दोस्तों 3 डॉट पर जाना है और डुप्लीकेट एज अ लेयर वाली बटन पर आपको टैप कर देना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इन ऑप्शंस को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहां पर दोस्तों आप लोगों को क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर जाना है और यहां मास्क को इनेबल कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको शेप वाले ऑप्शन पर जाना है और यहां से हर्ट शेप वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको इसको थोड़ा सा ये जो हर्ट लाए हैं आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा क्रॉप कर लीजिएगा साइड से। क्रॉप करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली यहां डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। फिर से दोस्तों आपको अपनी पिक की लेयर पर क्लिक करना है और इस तरह से इसको भी इस तरह से एंगल में लेना है दोस्तों यहां पर। इसके बाद आपको यहां पर कुछ इस तरह से सेट करना है दोस्तों। अभी देख रहे हैं अभी भी ये अच्छे से सेट नहीं हो रहा है, तो इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं मैं यहां पर आपको और एंगल में ले लेना है। एंगल में लेने के बाद दोस्तों आपको इसको इस तरह से बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद थोड़ा बिल्कुल इसमें सेट करना है इस तरह से दोस्तों, आप लोगों को बड़ा करना है यहां पर जिस तरह से मैंने यहां पर कर लिया है। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर 3 डॉट पर जाना है और सेंड टू बैकवर्ड वाली बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आप लोगों को फिर से लेयर वाली बटन पर जाना है, मीडिया वाली बटन पर जाना है और यहां से दोस्तों आप लोग मीडिया प्लेयर वाली एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो लेकर आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर नीचे इस तरह से सेट कर देना है। सेट करने के बाद दोस्तों आपको इन ऑप्शंस को स्क्रॉल करना है, यहां क्रोमा की वाली बटन पर जाना है और इसको इनेबल कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको इसको सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको फिर से यहां पर लेयर पर जाना है, मीडिया वाली बटन पर जाना है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहां पर ये ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट को लेकर आ जाना है। इसके बाद दोस्तों आपको सीजर के बगल वाली बटन पर जाना है, इसको फुल स्क्रीन कर देना है। एक स्टेप बैक आना है, इन ऑप्शंस को स्क्रॉल करना है, ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर जाना है और यहां से दोस्तों आप लोगों को स्क्रीन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को फिर से लेयर वाली बटन पर जाना है, मीडिया वाली बटन पर जाना है और यहां से दोस्तों आप ये फ्लावर वाली ब्लैक स्क्रीन लेकर आ जाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह से आएगी। इसके बाद दोस्तों आपको सीजर के बगल वाली बटन पर जाना है, इसको फुल स्क्रीन कर देना है। एक स्टेप बैक आना है, इन ऑप्शंस को स्क्रॉल करना है। फिर से दोस्तों आपको सिंपली ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर जाना है और इसको भी स्क्रीन कर देना है। इसके बाद दोस्तों सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको फिर से लेयर वाली बटन पर जाना है, मीडिया वाली बटन पर जाना है और दोस्तों यहां से आप ये माई लव वाली पीएनजी लेकर आ जाएंगे। इसको आपको यहां पर कुछ इस तरह से सेट कर देना है, इस तरह से मैंने यहां पर सेट की हुई है। इसके बाद दोस्तों आपको इसको बढ़ाकर अपने पूरे वीडियो के
बराबर कर लेना है। इसके बाद दोस्तों सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक करना और वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना है। अब दोस्तों आपको सिंपली शेयर वाली बटन पर जाना है और यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। दोस्तों विद इन वन मिनट ये वीडियो एक्सपोर्ट होकर आपकी गैलरी में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ कि किस तरह से आप लोगों को लिरिक्स सॉन्ग वाले यहाँ पर म्यूजिक ऐड करना है। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है। यहाँ से सिंपली दोस्तों हमको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों फिर से प्लस वाले आइकन पर जाना, 16:9 को सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों जो वीडियो अभी हमने एक्सपोर्ट किया था उस वीडियो को यहाँ पर हमको लेकर आ जाना है। इसके बाद दोस्तों हमको सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक करना है और वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना है। इसके बाद दोस्तों हमको फिर से लेयर वाली बटन पर जाना है, मीडिया वाली बटन पर जाना है और दोस्तों यहां से हमको लिरिक सॉन्ग वाला वीडियो अपना लेकर आ जाना है। दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह से आएगा। इसको हमको थोड़ा सा छोटा कर लेना और यहां पर इस तरह से कुछ सेट कर देना है। इसको सेट करने के बाद दोस्तों इन ऑप्शन को स्क्रॉल करना है, ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर जाना है, फिर से थोड़ा स्क्रॉल करना है और यहां पर स्क्रीन वाली बटन पर टैप कर देना है। इसके बाद दोस्तों हमको सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हमको क्या करना है, सिंपली फिर से लेयर पर जाना है, मीडिया वाली बटन पर जाना है और दोस्तों अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर इस बॉर्डर पीएनजी को भी लगा सकते हैं। दोस्तों ये कुछ इस तरह से आएगी। इसके बाद दोस्तों सीजर के बगल वाली बटन पर जाना है, इसको फुल स्क्रीन कर देना है। इसके बाद दोस्तों इसको हमको अपने पूरे स्टेटस के बराबर कर देना है। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर चीज देख रहे होंगे, जो हमारी लिरिक्स सॉन्ग था उसकी लेयर पूरी नहीं आ रही। दोस्तों इसके लिए हमको क्या करना है, सिंपली जो लिरिक्स वाली लेयर थी इस पर टैप करना है, इसके लास्ट पॉइंट पर आना है और दोस्तों ये जो पिक वाली आ रही है इसकी लेयर पर हमको टैप करना है, सीजर पर जाना है और ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड वाली बटन पर क्लिक करना है और सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये स्टेटस हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसको एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली इस वाली बटन पर क्लिक करना और यहाँ पर एक्सपोर्ट वाली बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों विद इन वन मिनट वीडियो एक्सपोर्ट होकर हमारी गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से बिल्कुल अच्छे से वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, स्टेटस क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमको बताइए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।